ऑलरेडी बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज सेलिब्रिटी, पहले तो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हाँ जी, वो कैश आउटफ्लोस जो रिलेटेड हैं उन लाइबिलिटी से जिन्हें हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो पहले तो ये ट्रांसलेशन तो करें। नहीं, डेफिनेटली लाइबिलिटी अगर रिकॉर्ड हुई है तो पे तो नहीं ना हुई है, क्या रिकॉर्ड हो गया है? लाइबिलिटी रिकॉर्ड हो गई या एक्सपेंस डेबिट हो गया या एसेट डेबिट हो गया, तो आप लाइबिलिटी कब रिकॉर्ड करते हैं? जब एक्सपेंस इनकर हो गए हो, ऐसे ही। लेकिन क्या लाइबिलिटी रिकॉर्ड करने का मतलब पैसे दे दी? पैसे भी दे दें। तो बात ये हो रही थी कि अगर रिकॉग्नाइज लाइबिलिटीज है, मीन्स हमने लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली हुई है, तो ऐसी लाइबिलिटीज को तो अब हमने सेटल करना ही है, चाहे हम एसेट को फ्यूचर में यूज करें या ना करें। तो हम क्या देखना चाहते हैं वैल्यू यूज में, अगर एसेट को फ्यूचर में यूज करें तो कौन से इनफ्लोज और आउटफ्लोज होंगे? तो ये वो आउटफ्लोज हैं जिन्होंने होना ही है, चाहे हम फ्यूचर में एसेट यूज करें या ना। फिर यहाँ पर मैंने एक रिसीवेबल्स के एंगल से भी संडे से कहा, रिकॉग्नाइज्ड का मीनिंग क्या होता है? रिकॉग्नाइज्ड रिकॉर्ड हो गए, तो ऐसे पेएबल्स या ऐसे रिसीवेबल्स जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, उनके तो पैसे अब आने ही हैं अगर रिसीवेबल्स है, और या पैसे जाने ही हैं अगर पेएबल है, चाहे हम फ्यूचर मेथड यूज करें या ना करें। अब ठीक है, तो प्लीज, अब फिर मैंने 2 मिनट बोला, तो 5-10 सेकंड में आप भी बोले क्या है? करें करें अच्छी कोशिश। ऐसे कैश फ्लो चले, नंबर 3 बता दीजिए। फर्स्ट सेंटेंस ऊपर देखो, पहला तो पढ़ा था इसी पेज पर, हमने कैश फ्लोज की वर्किंग करनी है एसेट की करंट कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो है। तो अगर कोई ऐसा खर्चा हम फ्यूचर में करना चाहते हैं जिससे एसेट ने इम्प्रूव हो जाना, तो उस खर्चे को कंसीडर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फिर एसेट उस करंट कंडीशन में तो नहीं रहे, ठीक है। चलिए आज नंबर 4 पर शुरू करें। नेक्स्ट लिखा हुआ कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज फ्रॉम अंडरलाइन करेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर इंशाल्लाह थोड़ा से बाद लंबी बहस एक होगी, फिलहाल ब्रैकेट में जाए। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मीनिंग होता है फिलहाल आपके लिए इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसको अंडरलाइन करना। ऊपर मेन हेडिंग रखिएगा, इस वक्त हम कौन सी कैश फ्लोज पढ़ रहे हैं जो एक्सक्लूडेड है, तो यहाँ इसका मतलब फिर ये हो गया कि हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी एक्सक्लूड करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, ब्रेक में बोर्ड पर देखें। सपोज वैल्यू यूज की वर्किंग हो रही है, ध्यान से जरा देखिए, वैल्यू यूज की वर्किंग किन सालों में होती है? पिछले सालों में होती है, ऑनवर्ड ईयर्स में होती है, फ्यूचर ईयर्स में होती है। कितने फ्यूचर ईयर्स में होती है? जितने एसेट की रिमेनिंग लाइफ आएगी, जितने एसेट की रिमेनिंग लाइफ आएगी। हम इनफ्लोज लेते हैं, फिर क्या करते हैं? आउटफ्लोज लेते हैं। नहीं, एक मिनट, सवाल यहाँ ये उठा कि क्या आउटफ्लोज में इंटरेस्ट पेमेंट भी कंसिडर करके वर्किंग करें? नहीं, इस वक्त सवाल ये उठा है, उसका जवाब इस वक्त तो नो है, लेकिन मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों। लेट्स सेम इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज हैं सपोज 70, 50 and 45। अगर ये आउटफ्लोज हैं तो फिर मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब लेट्स अज्यूम ये आउटफ्लोज जो है ये अदर देन इंटरेस्ट कॉस्ट है, मींस इसमें मटेरियल कॉस्ट है, सैलरीज हैं, अदर खर्चे हैं, लेकिन इंटरेस्ट इसमें नहीं है। इस वक्त सवाल ये है कि क्या होगा अगर कोई लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट्स होनी है फ्यूचर में, तो क्या उन इंटरेस्ट की पेमेंट्स को, फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, इनको लेस करके फिर नेट कैश फ्लोज बना के, अब ये नेट डिस्पोजल प्रोसीड वगैरह भी होंगे, मैं उसको जरा इग्नोर कर रहा हूँ। सवाल इस वक्त ये है कि क्या आउटफ्लोज में इंटरेस्ट पेमेंट्स को कंसिडर करके फिर नेट कैश फ्लोज बना के
20, 10, 55 and 15 या फिर नेट कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू है? कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है उसे? सॉरी, नेट कैश फ्लोस की प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है। पहले हम इनफ्लोस लिख लेते हैं, फिर हम आउटफ्लोस को लेस कर लेते हैं, फिर नेट कैश फ्लोस बना लेते हैं, फिर डिस्काउंट रेट यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इसका सम करके फिर हम टोटल वैल्यू यूज करते हैं। तो सवाल इस अगर ये है कि क्या इंटरेस्ट पेमेंट्स को पहले नेट कैश फ्लोज में लेस करें और फिर प्रेजेंट वैल्यू में? इस बात को समझने के लिए जरा कैलकुलेटर पकड़, 1,00,000 लिखें कैलकुलेटर पर। एक लाख कैलकुलेटर पर लिखें और इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें जरा। सपोज इंटरेस्ट रेट है 10% और -2 करा दो, 1,00,000 की प्रेजेंट वैल्यू लें 10% रेट पे और -2 करके। मैंने आपको अमाउंट कितनी भी बताई थी, 1,00,000, आपका आंसर कितना आया? ये कम क्यों हो गया? प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में क्या फर्क है? इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट एलिमेंट निकल गया। मेरे लाख में क्या इन्फ्लेशन का इफेक्ट था और आपकी इस फिगर में से वो इफेक्ट निकल गया? तो इंटरेस्ट का इफेक्ट या इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकल गया, क्या प्रेजेंट वैल्यू लेने से ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट का फैक्टर निकल जाता है? अब जरा बोर्ड पर देखें। अब अगर मैं पहले इंटरेस्ट की पेमेंट्स लेस कर लूं और फिर प्रेजेंट वैल्यू लूं, तो क्या ये दो दफा इफेक्ट नहीं आ जाएगा? एक दफा कहां, एक दफा कहां, एक दफा आउटफ्लोज में कंसिडर करके लेस हो जाएगा और एक दफा प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो डबल काउंट हो जाएगा, दो दफा इंटरेस्ट काउंट हो जाएगा। इसलिए हमने सिंपली बस क्या करना, कैश आउटफ्लोज में ये पेमेंट्स नहीं लेंगे, मतलब इन पेमेंट्स के बगैर अपने नेट कैश फ्लोज निकालनी है, क्योंकि जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का इफेक्ट ऑटोमेटिकली कंसिडर होता है, और अगर हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स को लेस करके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की तो इंटरेस्ट का इफेक्ट दो दफा कैसे हो जाएगा? एक दफा पहले लेस हो जाएगा और एक दफा फिर प्रेजेंट वैल्यू में इफेक्ट आ जाएगा। अब मेरी बात को समझ आ गई? तब पढ़े जरा पूरा सेंटेंस, उसके साथ ब्रैकेट भी एक बनेगी। कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज कौन से नहीं लेने जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है? फिलहाल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का मतलब आपको क्या पता? इंटरेस्ट पेमेंट्स। एक सेकंड चल लाइट आ गई। जिधर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मींस इंटरेस्ट पेमेंट ब्रैकेट में जाए, बिकॉज कैश फ्लोज आर लेटर बाद में डिस्काउंटेड टू प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग अ डिस्काउंट रेट दैट टेक्स इनटू अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ब्रैकेट दोबारा पढ़े, मीनिंग बताए। इंटरेस्ट पेमेंट्स को इसलिए कंसिडर नहीं करना क्योंकि बाद में कैश फ्लोज ने डिस्काउंट हो ही जाना है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी मींस इंटरेस्ट इफेक्ट कंसिडर हो। ठीक है, कंसेप्ट आ गई। नेक्स्ट पॉइंट पे देन वो कहता है मेन हेडिंग जो रखिएगा, पर मेन हेडिंग क्या चल रही है? टू बी एक्सक्लूडेड, एक और चीज का एक्सक्लूड होती है, कैश इनफ्लोज, कैश फ्लोज इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स रिसीव एंड टैक्स पेमेंट बट अंडरलाइन टैक्स रिसीव्स, टैक्स पेमेंट्स, टैक्स पेमेंट्स आई होप कि क्लियर है। टैक्स की पेमेंट्स, टैक्स रिसीट्स का मतलब होता है टैक्स रिफंड्स। अगर कभी कंपनी ज्यादा टैक्स दे तो वो टैक्स उसे गवर्नमेंट से वापस भी मिल सकता है। ठीक है, अब ये भी हम क्या बात करने लगे कि ये कैश फ्लोस एक्सक्लूड होनी चाहिए। जो लोग टैक्स पढ़ होंगे मेजोरिटी, टैक्स लॉ हर साल बदल जाता है,
अरे बदल जाता है सर, रेट से बदल जाते हैं, लॉस भी बदल जाते हैं। वंस अगेन हम वैल्यूज की वर्किंग करें फ्यूचर में, तो फ्यूचर ईयर्स में गवर्नमेंट क्या टैक्स रूल्स बनाएगी उसको आज बैठ के एस्टिमेट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो नेक्स्ट ईयर में टैक्स क्या होगा, क्या रूल्स होंगे, क्योंकि उन्हें एस्टिमेट करना ही तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए इस वैल्यू यूज की वर्किंग में स्टैंडर्ड के मुताबिक आप किस चीज को फिर इग्नोर करके ही वर्किंग करें। क्यों इग्नोर करके वर्किंग करें, क्योंकि अगले साल टैक्स रूल्स क्या होंगे, उससे अगले साल क्या होंगे, उससे अगले साल क्या होंगे, और अगर 5 साल लाइफ है तो उससे अगले साल क्या होंगे। इन चीजों को क्योंकि सही तरह से एस्टिमेट ही नहीं किया जा सकता, इसलिए टैक्स पेमेंट्स या टैक्स रिसीट्स फ्यूचर में जो होनी है उनको कंसिडर किए बगैर ही हम वर्किंग क्यों कर देंगे, क्योंकि इन चीजों को एस्टिमेट करना क्लोज टू इम्पॉसिबल, और गलत फिगर एस्टिमेट करके अपनी वर्किंग करना वैसे ही मुनासिब है। इट मीन्स अगर इन दोनों पॉइंट्स को जब भी मैंने पढ़े, ये जो इस वक्त पढ़ा और इससे पिछला जो इंटरेस्ट हुआ था, इट मीन्स जो हमारी जो कैश फ्लोज है ये बिफोर टैक्स और बिफोर इंटरेस्ट होने चाहिए। जरा इस एंगल से देखें जरा दोनों सेंटेंसेस, क्या टैक्स कंसिडर होना चाहिए, क्या इंटरेस्ट कंसिडर होना चाहिए। इट मीन्स हमारी कैश फ्लोज बिफोर टैक्स भी होनी चाहिए और बिफोर इंटरेस्ट भी होनी चाहिए। बाकी इसके साथ एक ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, वो मैं क्वेश्चन में जाकर समझाता हूँ। इसके साथ एक ब्रैकेट भी है, किसके साथ, टैक्स रिसीट्स एक्स पेमेंट्स। एक बस पॉइंट और रख लें फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं, बाकी जो पॉइंट्स रहे उसी में आ जाएंगे सर। देन एक इंपॉर्टेंट चीज आ गई, नॉन कैश ट्रांजेक्शन। डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री सुनाएंगे, बैड डेट्स की कोई एंट्री सुनाएंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सर। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, यकीन मैंने एक्सपेंस है यार। बैड डेट्स की एंट्री सुना, बैड डेट्स है भी डेटर्स क्रेडिट या बैड डेट्स है भी अलाउंस अगर बना रहे हैं, अगर एस्टिमेटेड बैड डेट्स है, बैड डेट्स भी एक्सपेंस है। अगर आप कुछ दिनों से मेरे वर्ड्स ना नोट कर रहे हो, ये जो मैं वैल्यू यूज की जब से वर्किंग आपके सामने कर रहा हूँ, तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। इनफ्लो का मतलब कैश आना, आउटफ्लोज का मतलब कैश जाना। हम इनकम और एक्सपेंसेस वर्ड यूज नहीं कर रहे। डेप्रिसिएशन गौर से वर्ड सुनिएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है लेकिन उसके अंदर एंट्री बनो, डेप्रिसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट। कैश कोई नहीं जाना, कैश पहले जा चुका, बाद में बस इसमें एक्सपेंस बनना, एसेट नहीं कम होना। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है लेकिन ये कोई कैश आउटफ्लो नहीं। इसे ना बैड डेट्स वाली एंट्री, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस या डेटर्स क्रेडिट, इसमें भी कोई कैश क्रेडिट नहीं हो रहा। बैड डेट एक्सपेंस तो है लेकिन कोई आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं है। तो ये जो हम वर्किंग कर रहे हैं वैल्यू यूज की, जो इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे, ये क्या वर्ड्स लिखे हुए, कैश कितना आएगा, कैश कितना जाएगा और नेट कितना कैश बच जाएगा। तो ये कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वर्किंग है, देयरफॉर इसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं आनी। मैंने सिर्फ कौन से दो एग्जाम्पल्स दिए, रिवेल्युएशन के एंट्री बोला, रिवेल्युएशन सरप्लस। क्या आपको अंदाजा हो सकता है अगर मैं एंट्री आपके सामने बोलूं कि ये कैश वाली एंट्री है या नॉन कैश एंट्री है, मतलब रिवेल्युएशन सरप्लस की एंट्री क्या हो रही है। अगर किसी एंट्री में ना कैश डेबिट हो रहा ना ही कैश क्रेडिट हो रहा तो वह नॉन कैश ट्रांजेक्शन होती। तो यहाँ कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं आनी, यहाँ इनफ्लोज ऑफ कैश और आउटफ्लोज ऑफ कैश आने। लेकिन जरा एक दो और एंट्री ट्राई कर लें, जरा बचपन में आपने काफी सुनी है जिसकी बात आज शायद होगी, रिवेल्युएशन लॉस, रिवेल्युएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। फोकस ये रखिएगा डेबिट क्रेडिट में कोई कैश तो नहीं आ रहा। इसी तरह बोनस शेयर अगर कोई ट्राई हो जाए, बोनस डेबिट शेयर क्रेडिट, एविडेंट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट यकीनन ट्रांजैक्शन तो है लेकिन उसमें कैश डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। तो इंशाल्लाह इसकी भी बहस एक चैप्टर में भी आगे आनी जाके। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें ना कैश डेबिट हो रहा है ना कैश क्रेडिट हो रहा है, वो भी इस वैल्यू यूज की वर्किंग में क्यों नहीं आनी, क्योंकि ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज की वर्किंग है। इनफ्लोज का मीनिंग कैश इनफ्लो, आउटफ्लो का मतलब कैश आउटफ्लोज। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस के एंगल से वर्किंग नहीं है, ये इनफ्लोज आउटफ्लोज के एंगल से वर्किंग है। देयरफॉर जरा ब्रैकेट में लिखा दो एग्जांपल्स जरा नोट कर लें, नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की कौन से दो कम से कम ध्यान रखें। वैसे हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रांजैक्शन नॉन कैश है या कैश है, अगर हम उसकी एंट्रीज में लाएंगे और उसमें ना कैश डेबिट हो रहा है ना क्रेडिट हो रहा है,
इंशाल्लाह हमें पता चल जाएगा। दो चीजें बस सही में रखना फिलहाल, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेट्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, जी इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ा अगर लेस कर लेंगे, अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स लेस करेंगे आउटफ्लोज में और बाद में प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू लेने से भी इंटरेस्ट का फैक्टर ही खत्म होता है, फ्यूचर वैल्यू में से इन्फ्लेशन निकल के प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है। तो अगर आप पहले इंटरेस्ट को पेमेंट्स में से लेस करेंगे और फिर प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, तो इंटरेस्ट जो है वो दो दफा कंसिडर हो जाएगा। तो इसलिए बस आपने प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी है एंड में जाके, और आउटफ्लोज में बस इंटरेस्ट को कंसिडर नहीं करना, क्योंकि आप जब प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो जो भी इंटरेस्ट एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा। ठीक है सर,